बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, दिस लेक्चर इज़ कंटिन्यूटी टू द वेस्टलैंड बाय टीएस एलियट एंड आई हैव गिवन डिटेल्ड इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टलैंड इन माय प्रीवियस लेक्चर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द फर्स्ट पोम ऑफ द सीरीज द बरियल ऑफ द डेड एंड स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर आई विल बी डिस्कसिंग द सेकेंड पोम इन द सीरीज ऑफ फाइव दैट मेक अप T.S. Eliot's Wasteland, and this poem is titled as A Game of Chess. So students, let's start A Game of Chess. First of all, I will tell you about the title. The title of the poem is actually taken from Thomas Middleton's play Women Beware Women. In this play, a game of chess is arranged to rape a girl. एक बियानका नाम की लड़की होती है जिसको एक अरिस्टोक्रेटिक ड्यूक जो है वो रेप करता है, और बियानके की मदर इन लॉ की तवज्जो को डाइवर्ट करने के लिए, उसकी अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए चेस की गेम में उसको बिज़ी कर दिया जाता है। और इस रेप को हेल्प आउट करने के लिए ये चेस गेम जो है एक और औरत अरेंज करवाती है, इसलिए प्ले का टाइटल है विमेन बीवेयर विमेन। तो स्टूडेंट्स, इन दिस पोम द गेम ऑफ चेस वी सी टू डिफरेंट स्टोरीज आर देयर। बोथ स्टोरीज आर एक्चुअली अबाउट टू मैरिड कपल्स। जो फर्स्ट स्टोरी है वो एक वेल्दी कपल, एक अपर क्लास कपल की है, जो कि एक बैड और डल और फेडिड रिलेशनशिप में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और दूसरी स्टोरी एक लोअर क्लास पॉवर्टी स्ट्राइकन कपल की है। सेम स्टोरी है अपर क्लास में भी, जो स्टोरी चल रही है हस्बैंड वाइफ की वो भी फेडेड रिलेशनशिप की है, और यहाँ पे जो पॉवर्टी स्ट्राइकन कपल हैं उनकी स्टोरी भी जो ऐसी ही है कि उनका रिलेशनशिप एक फेडेड रिलेशनशिप है। एक्चुअली टी.एस. एलियट वॉन्ट्स टू टेल अस दैट इन मॉडर्न एज वी आर जस्ट लिविंग विदाउट पैशन। रिलेशनशिप्स में पैशन बाकी नहीं रहा, और स्पेशली एक मैरिड रिलेशनशिप में पैशन बाकी नहीं रहा। एक्चुअली ये है तो मतलब दो डिफरेंट क्लासेस की स्टोरी, बट बोथ कपल्स आर लीडिंग डल एंड फेडेड लाइफ डिप्राइव्ड ऑफ पैशन। दिस पोएम इज़ एक्चुअली अबाउट सेक्स एंड सिडक्शन, बट दिस सेक्शुअल रिलेशनशिप इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ लव। और यहाँ पे मतलब लव रिलेशनशिप नज़र नहीं आता, एक फ़िज़िकल इंटीमेसी जो है वो उसमें जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो हमें नज़र नहीं आता। देर इज़ नो सेटिस्फेक्शन, नो सेरेनिटी इन दिस रिलेशनशिप इन मॉडर्न एज। टी.एस. एलियट ने टाइटल गेम ऑफ चेस यूज़ किया है। अब चेस यू नो चेस इज़ अ वेरी कनिंग एंड वेरी सेरिब्रल गेम, और दिमाग की गेम है, इसमें बहुत ज़्यादा बंदे को दिमाग लड़ा के खेलना पड़ता है। तो ऐसे ही जो है ना, वो एक मैरिड रिलेशनशिप होता है, एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है। इन ऑर्डर टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप इन अ पैशनेट वे यू हैव टू यूज़ योर माइंड। तो ये अगर आप एक होशियारी से माइंड के साथ अपने पैशंस को यूज़ नहीं करोगे तो फिर इस तरह से क्या होगा कि वो एक फेडेड रिलेशनशिप में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। सो अब हम पोएम को पढ़ते हैं और फिर जो है वो हम इसको एनालाइज करते हैं। लुक एट द स्क्रीन। द चेयर शी सैट इन लाइक अ बर्निश्ड थ्रोन ग्लोड ऑन द मार्बल वेयर द ग्लास हेल्ड अप बाय स्टैंडर्ड्स रॉट विद फ्रूटेड वाइन्स। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी गई है एक बहुत ही अपर क्लास लेडी की, जो कि बहुत शान शौकत की ज़िंदगी गुजार रही है, ठीक है। द चेयर शी सैट इन, जिस कुर्सी पे वो बैठी है वो एक बर्निश्ड थ्रोन की तरह है। ये ओपनिंग लाइंस जो है ना, ये शेक्सपियर के प्ले एंटनी एंड क्लियोपैट्रा से ली गई हैं। क्लियोपैट्रा परहैप्स क्वीन क्लियोपैट्रा इज़ बीइंग रेफरेंस्ड हियर। क्लियोपैट्रा जो कि बहुत खूबसूरत शान शौकत वाली मलका थी, और मिस्र की तमाम दौलत तमाम ताकत जो है वो उसकी वो मालिक थी, और इसकी उंगली के एक इशारे पे जो है वो सब कुछ होता था, और बेहतरीन और ताकतवर औरत थी।
जो इवन ना सिर्फ अपनी रियाया बल्कि अपने हस्बैंड को भी आउट मैच कर सकती थी, क्योंकि वो पावरफुल और इंडिपेंडेंट थी। और अगर हम लोग चेस की बात करें, दोबारा से हम लोग गेम ऑफ चेस यानी कि टाइटल की तरफ आए, तो चेस में जो होता है ना क्वीन, क्वीन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर इन चेस, मोस्ट पावरफुल फिगर इन चेस। तो शायद एलियट जो है वो क्वीन का इमेज इसीलिए यूज़ कर रहा है, और वो क्वीन का इमेज यूज़ करके ये बताना चाहता है कि मैरिज रिलेशनशिप इज़ लाइक अ गेम ऑफ चेस एंड क्वीन, क्वीन यू नो क्वीन इज़ द मोस्ट पावरफुल फिगर। तो इसी तरह जो है वो एक वाइफ जो होती है मैरिज रिलेशनशिप में बहुत पावरफुल फिगर होती है, वो चाहे तो रिलेशनशिप को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो चला सकती है। और उसी पे शायद डिपेंड करता होता है कि वो जो है वो किस तरह से इस रिलेशनशिप को एक फेडेड रिलेशनशिप की तरह लेके चलती है, एक पैशनेट रिलेशनशिप की तरह लेके चलती है। तो जिस कुर्सी पे द चेयर शी सैट इन इज लाइक अ बर्निश थ्रोन ग्लोड ऑफ द ऑन द मार्बल विद द ग्लास हेल्ड अप बाई स्ट्रैंड्स रॉट विद फ्रूटेड वाइन्स। जिस कुर्सी पे बैठी है वो बर्निश थ्रोन की तरह है, और जो है यहाँ पे ये ग्लोड ऑन द मार्बल, और मार्बल का जो फर्श है उसके ऊपर ये कुर्सी चमक रही है उसकी, ठीक है। और जो वहाँ पे एक ग्लास लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, तो उसके ऊपर एक फ्रूटेड वाइन से उसको डेकोरेट किया गया है। फ्रॉम विच अ गोल्डन क्यूपिडॉन पीप्ड आउट, वहाँ से एक गोल्डन कलर का क्यूपिडॉन, क्यूपिडॉन क्या है, क्यूपिड इज़ एक्चुअली द गॉड ऑफ ग्रीक गॉड ऑफ लव, वहाँ से एक सुनहरी रंग का जो क्यूपिडॉन है वो झांक रहा है। एंड अदर हिड हिज आईज बिहाइंड हिज विंग्स, और जो दूसरा एक और है वहाँ पे क्यूपिडॉन, जिसने अपनी आँखों को अपने विंग्स के पीछे छुपाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात जो है ना नोटिसेबल है कि एक जो है वो क्यूपिडॉन देख रहा है और दूसरा जो है वो ब्लाइंड है, उसने अपनी आईज़ को हाइड किया हुआ है तो ब्लाइंड है। यहाँ पे जो इनइक्वालिटी नज़र आ रही है, हम इसको थ्रू आउट जो द सेशन, ये जो पोएम है ना, थ्रू आउट द पोएम हम इस इनइक्वालिटी को देखेंगे, जिससे हमें यह एहसास होगा कि दिस इज़ नॉट द रियल कनेक्शन। रियल कनेक्शन किसी भी चीज़ में मौजूद नहीं है। एक जो चीज़ है वो परफेक्ट है, दूसरी इम्परफेक्ट है। अगर एक कपल में से एक बंदा जो है वो देखने के काबिल है, समझने के काबिल है, लेकिन दूसरा जो है वो चीज़ को नहीं समझ रहा, वो चीज़ को नहीं सही तरह से देख रहा, तो रिलेशनशिप जो है ना वो इस तरह से इनकम्प्लीट होता है, रिलेशनशिप इस तरह से नहीं चलता है। तो स्टार्ट में ही एक क्यूपिडॉन को आइस के साथ और दूसरे क्यूपिडॉन की हिडन आइस के साथ दिखाना जो है वो इस चीज़ को जाहिर करता है कि इनइक्वालिटीज आर देयर थ्रू आउट द सेक्शन, विल सी द इनइक्वालिटीज। उसके बाद देखें कि डबल्ड द फ्लेम्स ऑफ सेवन ब्रांच्ड कैंडलाब्रा। ये कैंडलाब्रा जो होता है ये कैंडल्स का एक स्टैंड होता है जिसमें डिफरेंट ब्रांचेस बनी होती है। तो कैंडल्स हैं यहाँ पे लगी हुई सेवन ब्रांचेस कैंडलाब्रा में, और उसके जो फ्लेम है उसको मार्बल के फर्श ने जो है डबल कर दिया हुआ है उसमें, मतलब ये कि सारी चीज़ों की ग्लो जो है, सारी चीज़ों की चमक मिल के जो है वो इन जो ये फ्लेम्स हैं इनको डबल कर रही है। रिफ्लेक्टिंग लाइट अपॉन द टेबल एज द ग्लिटर ऑफ आर ज्यूल्स रोज टू मेट इट, और जो है इसकी लाइट, इसके ज्यूल्स की लाइट, उस औरत के ज्यूल्स की चमक भी इन इस ग्लो की वजह से बढ़ गई है, और इन फ्लेम्स को मीट करने के लिए जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ना हर चीज़ एक दूसरे के साथ कंपटीशन में बढ़ रही है, चमक रही है। एक्चुअली दिस इज़ द डिसेप्शन ऑफ आर्टिफिशियलिटी, आर्टिफिशियलिटी का धोखा है सारा। पॉलिश थ्रोन, पॉलिश ग्लास, मार्बल फ्लोर और ज्यूल की चमक, देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी अपर क्लास की जो है वो फेक पॉम्प को जाहिर कर रही है। तो ऑल एक्चुअली ऑल दीज थिंग्स आर रिप्रेजेंटिंग
द अफेक्टेशन अफेक्टेशन ऑफ मॉडर्न मैन, एक मॉडर्न आदमी जो है वो कितनी अफेक्टेशन की ज़िंदगी गुजार रहा है, कितनी आर्टिफिशलिटी की ज़िंदगी गुजार रहा है. So in the next few lines, poet tells us about the makeup and the cosmetics of the lady. See, from satin cases poured in rich profusion in vials of ivory and colored glass, unstoppered lurked her strange synthetic perfumes. Unguent, powdered or liquid, troubled, confused. From satin cases poured in rich profusion. सैरन केसेस क्या होते हैं, वो जिसमें ज्वेलरी रखी जाती है, वो चमकदार डब्बे जो हैं. और कहते हैं कि वहाँ पे उसके पास ओपन जो बॉटल्स हैं विदाउट स्टॉपर हैं, ढक्कन उन पे नहीं लगे हुए, आइवरी के बने हुए कंटेनर्स हैं जिनके अंदर सिंथेटिक परफ्यूम्स हैं बहुत सारे, और सिंथेटिक परफ्यूम्स हैं और इनकी खुशबू जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है. और ये जो है बहुत स्ट्रेंज किस्म की खुशबू है. और इसके अलावा जो है वो ये परफ्यूम किस शेप में है, ये परफ्यूम पाउडर की शेप में, अनगंट का मतलब होता है ये क्रीमी टेक्सचर में भी हैं, लिक्विड में भी हैं. और ये सारे जो है ना, इनकी फ्रेग्रेंस इतनी तेज़ है, इतनी तेज़ है कि ये कंफ्यूज कर रही है, सेंसेस को ख़त्म कर रही है. और जो मतलब ये कि इनकी सारे कमरे में इनकी खुशबू फैली हुई है, और इंसान जो है वो सोचने समझने के लायक नहीं रहता, इतनी ज़्यादा तेज़ खुशबू है इनकी. ठीक है. एंड ड्रॉन द सेंसेस इन अडोर्स स्टेट बाय द एयर द फ्रेशेंट फ्रॉम द विंडो दीज असेंडेड इन फैटनिंग द प्रोलॉन्ग कैंडल फ्लेम्स. और फिर क्या होता है, जो खिड़की से थोड़ी सी हवा अंदर आती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये डिस्टर्ब हो जाती है, ये जो खुशबू है ये डिस्टर्ब होती है. और हवा के अंदर आने से जो थोड़ा सा स्मोक कैंडल से उठता है वो जो है वो एक पैटर्न बनाता है, फैटनिंग द प्रोलॉन्ग कैंडल फ्लेम. उससे जो कैंडल के फ्लेम है ना वो थोड़े बढ़ जाते हैं हवा के अंदर आने से, यू नो हवा थोड़ी सी टच करती है फ्लेम्स को तो वो भड़कने लगते हैं. तो उसके बाद क्या होता है, फ्लंग देयर स्मोक इनटू द लकेरिया स्ट्रेटिंग द पैटर्न ऑन द कॉफर्ट सीलिंग. लकेरिया का मतलब भी सीलिंग होता है, कॉफर्ट सीलिंग का मतलब है कि डेकोरेटेड सीलिंग. तो ये स्मोक जो है वो छत की तरफ जाता है और बड़ा खूबसूरत सा पैटर्न वहाँ पे बनाता है. ह्यूज सी वुड फेड विथ कॉपर बर्न ग्रीन एंड ऑरेंज फ्रेम्ड बाय कलर्ड स्टोन. अब वहाँ पे जब अब यहाँ पे जो है ना वो एक सी वुड का बताया गया है कि सी वुड जो है वो वहाँ पे जलाया जा रहा है, और उसमें क्या है कि उससे जो ग्रीन और रेड ऑरेंज और ग्रीन कलर के जो हैं वो फ्लेम्स उठ रहे हैं फ्रेम्ड बाय कलर्ड स्टोन, और इसके आसपास जो हैं वो कलर स्टोन्स लगे हुए हैं. इन विच सेट लाइट अ कार्प डॉल्फिन स्वैम. अब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इन फ्लेम्स की वजह से एक फिगर सी बनती हुई नज़र आ रही है एक डॉल्फिन की, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे कोई डॉल्फिन का स्टैचू है जिसके ऊपर ये ग्रीन और ऑरेंज कलर की लाइट पड़ रही है और उसमें बड़ी सैड सी लुक आ रही है. अब इसके ऊपर क्या है कि अबव द एंटीक मेंटल वाज डिस्प्लेड Above the antique mantle was displayed as though a window gave upon the sylvan scene. Sylvan scene का मतलब एक फॉरेस्ट का सीन. अब वहाँ पर एक फॉरेस्ट का सीन जो है वो क्रिएट किया गया है. हम वहाँ पर मेंटल के एक मेंटल पर मेंटल क्या होता है, एक फायर प्लेस के ऊपर जो शेल्फ बना होता है, फायर प्लेस जो के नीचे जिसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है जहाँ पर फायरवुड जलाई जा रही है, और फिर उसके ऊपर जो मेंटल है उसके ऊपर उसमें एक जो सीन क्रिएट किया गया डिस्प्ले किया गया है
वो एक फॉरेस्ट का सीन है, और सीन क्या है, द चेंज ऑफ फिलोमेल बाय द बार्बरस किंग, सो रूडली फोर्स्ड येट देयर द नाइटिंगेल फिल्ड ऑल द डेजर्ट विद इनवॉयबल वॉइस एंड स्टिल शी क्राइड एंड स्टिल द वर्ड परसूज जग जग टू डर्टी ईयर्स। अब ये क्या है कि ये सीन एक्चुअली डिपिक्ट कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिलोमेला इंटू नाइटिंगेल। स्टूडेंट्स, हेयर अगेन एलियट हैज़ गिवन अस अ रेफरेंस। मैंने आपको पहले भी बताया था एलियट्स वेस्टलैंड इज़ फुल ऑफ रेफरेंसेस, तो यहाँ पे मिथ्स और रेफरेंसेस आपको बहुत से मिलेंगे। यहाँ पे ये जो रेफरेंस है, दिस इज़ द रेफरेंस टू ओविड्स मेटामॉर्फोसिस। ओविड वाज एक्चुअली अ रोमन पोइट एंड मेटामॉर्फोसिस इज लैटिन नैरेटिव पोएम। ये किसकी पोएम है, लैटिन में लिखी गई है, और इस पोएम में ओविड ने दुनिया की क्रिएशन से लेकर जूलियस सीजर की डेथ तक की हिस्ट्री नरेट की है। अब ये जो फिलोमेला है, ये इस पोएम का एक कैरेक्टर है। फिलोमेला वाज सिस्टर इन लॉ टू किंग टेरियस। टेरियस किंग जो था उसकी ये साली यानी कि सिस्टर इन लॉ थी। तो प्रोकनी थी, प्रोकनी किंग टेरियस की वाइफ का नाम था। फिलोमेला प्रोकनी की सिस्टर थी। और ये जो किंग टेरियस है, ये बहुत क्रूअल था, ये बुरी नज़र रखता था फिलोमेला पे, और फिर इसने फिलोमेला का रेप किया, और इन ऑर्डर टू प्रिवेंट हर टू टेल हर स्टोरीज उसने उसके ज़ुबान और हाथ काट डाले ताकि वो किसी को ना बता सके कि उसके साथ क्या हुआ है। दिस इज़ अगेन अ मेन कंसर्न ऑफ एलियट्स पोइट्री। एलियट की पोइट्री में हमें क्या नज़र आता है, इनएबिलिटी टू टेल वंस ओन स्टोरी, इनएबिलिटी टू प्रोवाइड मीनिंग्स इन दिस क्योटिक वर्ड्स इन दिस क्योटिक वर्ड। इंसान जो है, मैन इज़ इनएबल टू टेल द ट्रू फीलिंग्स हिज इनर स्टोरीज टू द पीपल। उसके पास इतनी मतलब मीनिंग्स नहीं है, जो वो उसके अंदर है वो बता नहीं सकता है। इतनी क्योटिक सिचुएशन है इस दुनिया में, इतनी वॉइसेस हैं कि उसकी अकेले की एक वॉइस जो है वो दब के रह जाती है। वॉइसेस की मल्टीप्लिसिटी में हमारी आवाज़ को सुना ही नहीं जाता। सो फिर क्या होता है कि जब फिलोमेला की सिस्टर को इसके बारे में पता चलता है, तो जो शख्स होता है टेरियस, किंग टेरियस है, वो फिलोमेला और उसकी सिस्टर प्रोकनी दोनों को मारना चाहता है, मारने लगता है, तो बीच में गॉड्स आ जाते हैं एंड फिलोमेला वाज ट्रांसफॉर्म्ड बाय गॉड्स इनटू नाइटिंगेल। जो गॉड्स होते हैं वो इसको एक बुलबुल में कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। अब ये खूबसूरत बुलबुल आज तक गाती फिरती है और अपना दर्द बताती है। जग जग एक्चुअली इज़ अ कन्वेंशनल वे टू प्रजेंट अ बर्ड सॉन्ग, बट दिस टर्म यू कैन से दिस टर्म इज़ ऑल्सो यूज एज सजेशन फॉर सेक्शुअल इंटरकोर्स। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फिलोमेला की ट्रेजेडी को वल्गराइज किया जा रहा है। लोग जो है वो उसके दर्द को नहीं सुनते, उसकी जग जग को एक बेकार सॉन्ग समझ के, एक मतलब ये कि उसके पीछे बस उसके रेप की कहानी को जो है वो समझ के इसको मतलब वल्गराइज किया जा रहा है उसकी ट्रेजेडी को यहाँ पे। तो ऐसे है, और नेक्स्ट लाइन्स हम देखते हैं। एंड अदर विदर्ड स्टंप्स ऑफ टाइम were told upon the walls, staring forms leaned out, leaning, hushing the room enclosed. इसके अलावा और भी बहुत सारी वहाँ पर पिक्चर्स हैं, स्टोरीज़ हैं जो कि झांक रही हैं दीवारों से, कुछ बताना चाहती हैं, लेकिन क्या है कि वहाँ पर इनको सुनने वाला, इनको देखने वाला कोई भी नहीं है, समझने वाला कोई भी नहीं है। अब नेक्स्ट यहाँ से एक स्टोरी शुरू होती है कपल की। पहले तो डिस्क्रिप्शन दी गई है ना सारी की सारी, उस रूम के किस तरह से फर्निश्ड है, और उस औरत की किस किस्म की मॉडर्न लाइफ गुजार रही है,
किसी चीज़ की कमी नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन देयर। लेकिन कमी जो है वो कमी क्या है, वो उसके अंदर पीस की, उसके अंदर जो है वो पैशन की कमी है, वो अंदर से सेटिस्फाइड नहीं है। सी फुटस्टेप्स शफल्ड ऑन द स्टेयर अंडर द फायर लाइट अंडर द ब्रश हर हेयर स्प्रेड आउट इन फाइव पॉइंट्स ग्लोड इन टू वर्ड्स देन वुड बी अ सेवेजली स्टिल। नोटिस दिस फ्रेज द लास्ट फ्रेज सेवेज स्टिलनेस अंडर द ब्रश अंडर द फायर लाइट अंडर द ब्रश हर हेयर स्प्रेड आउट इन अ फायरी पॉइंट्स ग्लोड इन टू वर्ड्स देन वुड बी सेवेजली स्टिल। सेवेज स्टिलनेस, वो कुछ बोलना चाहती है, उसको फुटस्टेप पे किसी की आवाज़ आती है, उसकी फुटस्टेप पे सॉरी फुटस्टेप्स उसको सुनाई देते हैं स्टेयर्स पे, और जो है वो फौरन रेडी होती है और वो कुछ बोलना चाहती है, लेकिन देन वुड बी सेवेजली स्टिल। ये स्टिलनेस जो है एक्चुअली रेफर्स टू द स्टिलनेस इन मैरिज। स्टिलनेस इन मैरिड रिलेशनशिप इज़ ऑलवेज सेवेज। जब एक कपल अपने बीच दोस्ती खो देता है, कम्युनिकेशन खो देता है, तो वो ट्रू रिलेशनशिप को खो देता है और मैरिज जो है वो स्टिलनेस का शिकार हो जाती है। मोस्ट ऑफ द मैरिजेस इन मॉडर्न टाइम आर गोइंग ऑन लाइक दिस। देखें, फिर वो लेडी क्या कहती है, माई नर्व्स, उसका हस्बैंड आता है और उसे कहती है माई नर्व्स आर बैड टुनाइट। यस बैड, स्टे विद मी, स्पीक टू मी, व्हाई डू यू नेवर स्पीक, स्पीक, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, व्हाट थिंकिंग, व्हाट, आई नेवर नो व्हाट यू आर थिंकिंग, थिंक। आप नोटिस करें इसमें अग्रेशन, अग्रेशन इन वॉइस एंड वर्ड्स, लफ्ज़ों में भी अग्रेशन है और वर्ड्स पर वॉइस में भी अग्रेशन है। लेडी किसी भी बात का मौका दिए बगैर, अपने हस्बैंड को समझे बगैर अपनी बात कहे जा रही है। शी इज़ प्लीडिंग, शी इज़ क्वेश्चनिंग, बट मैन इज़ नॉट बॉदरिंग, मैन इज़ नॉट रेस्पॉन्डिंग, एंड दिस थिंग इज़ एनहांसिंग हर अग्रेशन। वो अग्रेशन में है, अग्रेसिव एटीट्यूड वो शो कर रही है, और जो उसका नो रिस्पॉन्स वाला एटीट्यूड है उसके हस्बैंड का, वो उसके अग्रेशन को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। यहाँ पे रीडर साफ देख सकता है कि रिलेशनशिप इज़ एक्चुअली क्रम्बल्ड, फेडेड एंड हैड लॉस्ट इट्स चार्म, एंड देर इज़ नो रियल प्रॉस्पेक्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द बोथ ऑफ द यू नो बोथ ऑफ दिस हस्बैंड एंड वाइफ, दे आर नॉट ऑन द सेम पेज नाउ, दे आर नो मोर ऑन द सेम पेज। अब वो शख्स क्या कहता है, आई नेवर, उसे पूछ रही है व्हाट थिंकिंग, व्हाट, आई नेवर नो व्हाट यू आर थिंकिंग, थिंक। वो उसे जवाब देता है, आई थिंक वी आर इन रैट्स एले, कहते हैं कि हम, मुझे लगता है, मैं सोचता ये हूँ कि हम जो है एक चूहों के बिल में हैं। एंड वेयर द डेड मैन लॉस्ट देयर बोन्स, जहाँ पे जो मर चुके हैं वो लोग, उनकी हड्डियाँ भी वो ख़त्म हो जाती हैं, खो जाती हैं। लाइक दिस मॉडर्न वर्ल्ड इट्स वेज, ऑल इट्स वेज हैव डिस्ट्रॉयड अस फ्रॉम इनर, इस मॉडर्न दुनिया ने हमें अंदर से डिस्ट्रॉय कर दिया, एंड वी आर टोटली हॉलो फ्रॉम इनसाइड। एंड नेक्स्ट देखें, जब वो इसके जवाब के बाद वो उसे फिर पूछती है व्हाट इज़ दैट नॉइस द विंड अंडर द डोर, उससे कहती है कि ये शोर कैसा है, तो वो जवाब देता है परहैप्स द विंड अंडर द डोर, हो सकता है कि ये दरवाजे के नीचे से हवा आ रही हो। डू यू नो नथिंग, फिर से बोलती है डू यू नो नथिंग, डू यू सी नथिंग, डू यू रिमेंबर नथिंग। अब यहाँ पे नथिंग 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 की रेपिटेशन देखें, कंसेप्ट ऑफ नथिंगनेस इज हियर, दरवाजे के पीछे हवा है सिर्फ, कुछ नहीं है वहाँ पे। नो बडी इज़ कमिंग टू सेव देम, देयर मैरिज, देयर रिलेशनशिप, नो बडी इज़ कमिंग टू सेव देयर मैरिज, देयर रिलेशनशिप, एंड दे हैव बीन कॉट इन अ बिग बिग
नथिंगनेस, नथिंगनेस इज देयर। तो फिर यहाँ पे आप नथिंगनेस की जो रेपिटेशन देखेंगे बार बार, तो ये कन्वे कर रही है एलियट का जो मेन थीम है, नथिंगनेस इन द क्योटिक वर्ल्ड वी फाइंड नथिंग। एलियट के एलियट की वेस्ट लैंड में हमें थ्रू आउट द पोम नज़र आता है लोनलीनेस का, नथिंगनेस का, जो है एम्प्टीनेस का थीम हमें नज़र आता है। वो यहाँ पे वर्ड्स में उसने जो है वो कन्वे कर दिया है, यू नो नथिंग, यू सी नथिंग, यू रिमेंबर नथिंग। तो हस्बैंड का रिस्पांस क्या है? हस्बैंड का रिस्पांस ये है कि ही नोज नथिंग, स्पीक्स नथिंग, सीज नथिंग। व्हाट इज़ बिहाइंड द डोर? नथिंग। व्हाट इज़ दैट नॉइस? नथिंग। सो द थीम ऑफ नथिंगनेस। नेक्स्ट देखें, कहते हैं आई रिमेंबर दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज। अगेन दिस इज़ रेफरेंस टू शेक्सपियर्स टेम्पस्ट। यहाँ पे फिर से शेक्सपियर के प्ले टेम्पस्ट से रेफरेंस लिया गया है। वो कहता है कि आई रिमेंबर दोज आर द पर्ल्स दैट वर हिज आईज। मे बी ही इज़ इम्प्लाइंग दैट वंस ही वॉज अ हैप्पी मैन विद हैप्पी रिलेशनशिप, बट आयरनी इज़ ही इज़ नो मोर अ हैप्पी मैन विद पर्ल्स आईज। पहले कभी वो खुश था, रिलेशनशिप उसका अच्छा था, तो सब कुछ अच्छे चल रहा था, लेकिन जो है अब वो ना तो हैप्पी है, ना ही उसकी आईज जो है वो पर्ल आईज हैं। आर यू अलाइव और नॉट? इज देयर नथिंग इन योर हेड? बट ओ ओ ओ दैट शेक्सपियरियन रैग, इट्स सो एलिगेंट, सो इंटेलिजेंट। अगेन शेक्सपियर की तरफ से रेफरेंस है यहाँ पे। वट शैल आई डू नाओ? वट शैल आई डू? आई शैल रश आउट एज आई एम। अब वो जो वो लेडी है वो कहती है कि आप मैं क्या करूँगी, अब मुझे क्या करना है। आई शैल रश आउट एज आई एम, मैं ऐसे ही बाहर चली जाऊँगी, एंड वॉक द स्ट्रीट विद माई हेयर्स डाउन, गलियों में फिरूँगी। एंड वट शैल वी डू टमोरो, और फिर हम कल क्या करेंगे? वट शैल वी एवर डू, फिर अब हम हमेशा क्या करेंगे? अब जो नेक्स्ट है वो जो डेली रूटीन के काम है उनकी डिस्क्रिप्शन दी है। द हॉट वाटर एट 10, 10 बजे गर्म पानी से जो है बात लेना है। एंड इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, अ क्लोज्ड कार एट 4, एंड वी शैल प्ले अ गेम ऑफ चेस प्रेसिंग लीडलेस आईज एंड वेटिंग फॉर अ नॉक अप द डोर। हम क्या करेंगे? हम सिर्फ चेस गेम जो है वो खेल सकते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में अब जो है ना वो एक ही कम्युनियन का जो वे रह गया है, गेम ऑफ चेस, जहाँ पे जो वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, जहाँ जिसमें उनका जो है वो रिलेशनशिप की वजह भी क्या बनता है, वो जो उसके चेस के जो आइवरी के बने हुए पीसीस हैं वही हैं जो इनके बीच में अब कम्युनियन का वे हैं, और कुछ भी इनके रिलेशनशिप में बाकी नहीं रह गया। अगर ये इकट्ठे हो सकते हैं तो गेम ऑफ चेस पे इकट्ठे हो सकते हैं, अदरवाइज नो ट्रू रिलेशनशिप, नो सेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप इज देयर बिटवीन बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। सो जो पॉइंट है वो कन्वे क्या करना चाह रहा है, वो ये कन्वे करना चाह रहा है कि इन मॉडर्न लाइफ हस्बैंड एंड वाइफ आर लीडिंग अ डल एंड फेटल रिलेशनशिप। Their physical intimacy, their sexual relationship is not the product of love. वो mechanical relationship में change हो चुका है और उसमें किसी किस्म की कोई satisfaction नहीं है, मोहब्बत बाकी नहीं रही है, एक दूसरे के साथ communication gap हो गया हुआ है, एक दूसरे के relation के problems को समझने से कासे रहे हैं सब। अगर एक जानता है तो दूसरा नहीं जानता, अगर एक समझने की कोशिश करता है तो दूसरा समझने की कोशिश नहीं करता। मैंने आपको बताया था कि चेस गेम ऑफ चेस में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट फिगर जो होती है, सबसे ज़्यादा पावरफुल फिगर जो होती है वो क्वीन की होती है, और क्वीन जो होती है वो किसी भी के ज़रिए किसी को भी मैच आउट किक आउट किया जा सकता है। तो आजकल की क्वींस जो हैं दे आर जस्ट ट्राइंग टू मैच आउट देयर हस्बैंड्स, दे आर ट्राइंग टू किक आउट देयर हस्बैंड्स, दे आर कम्पीटिंग विद दैम।
तो इस कंपटीशन में दे आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग देयर रिलेशनशिप। यहाँ पे स्टोरी जो है अपर क्लास कपल की ख़त्म होती है। नेक्स्ट स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।